नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अशोक इंट्रो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझ जा रहे हैं, एक डिफरेंस समझ जा रहे हैं गुड कंडक्टर और गुड इंसुलेटिंग मटेरियल और सब्सटेंस के बारे में। इससे पहले वाले पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हमने पहले वीडियो लेक्चर्स में समझा था कि वाटेज या वाटर कंडक्टर्स, कंडक्टर या कंडक्टिव मटेरियल कौन कौन से होते हैं और क्या प्रॉपर्टी रहती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं। फिर समझा था हमने इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से होती है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं। अब इस लेक्चर में दोनों का कंपैरिजन हम कर लेते हैं। एक तरफ मैंने लिखा है कंडक्टर्स और दूसरी तरफ लिखा इंसुलेटर, या यूं बोले हैं कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटिंग मटेरियल्स और सब्सटेंस। ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है इंटरव्यू में, एग्जाम में और जनरल नॉलेज दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो समझ लेते हैं, छोटा सा है, मैंने डिफ्रेंशिएट करके पांच इसके पॉइंट लिखे हैं। पॉइंट कई सारे बन सकते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने नोट डाउन किए, उनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा, आपने अभी तक हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं उसको नहीं देखा है, या इंसुलेटिंग मटेरियल्स की वीडियो नहीं देखी, तो उनको मैं यहाँ पे आई बटन पे आपको दे दूंगा। यहाँ से उन दोनों वीडियोज को आप वॉच कर सकते हैं और उन वीडियोज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप वाट इज गुड कंडक्टिंग मटेरियल्स या वाट इज गुड इंसुलेटिंग मटेरियल्स कौन से होते हैं इनके बारे में आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब समझेंगे दोनों का डिफरेंशिएशन। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंडक्टर्स और इंसुलेटर, कंडक्टर्स के नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखा है कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स और सब्सटेंस विच अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इन इट। आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए, ओटी आ जाए कि कंडक्टर्स आर, तो आपका लगेगा कंडक्टर्स आर द मटेरियल और सब्सटेंस विच अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इन इट। क्लियर, कंडक्टिव मटेरियल्स या कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडक्टिव मटेरियल्स। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल्स या इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस विच डोंट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इन इट। क्लियर, दोनों डाउट क्लियर हो गया, तो ये डिफरेंशिएशन यहां पे हो गया। फिर देखते हैं सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्टेड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग मटेरियल रहते हैं उनके सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहता है, एग्जिस्ट रहता है, इस कारण से वो इलेक्ट्रिक करंट उनमें से पास हो जाती है। इसका जस्ट अपोजिट हुआ, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एब्सेंट इन द इंसुलेटर। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होते हैं, चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं, इस कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स रहते हैं। अगला पॉइंट थर्ड आएगा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज वेरी हाई। थर्मल कंडक्टिविटी जो रहता है कंडक्टिंग मटेरियल्स की वेरी हाई होती है, इसी कारण से ये क्या होते हैं, कंडक्टिव रहते हैं। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट इसी में देखें कि थर्मल कंडक्टिव ऑफ ए इंसुलेटर मटेरियल इज वेरी लो, क्योंकि थर्मल कंडक्टिव इसकी वेरी लो या होती नहीं, इस कारण से ये नॉन कंडक्टिव रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज वेरी लो। जो कंडक्टिव मटेरियल्स रहते हैं या कंडक्टर रहते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, वेरी लो रहेगा, बहुत ही कम रेजिस्टेंस रहेगा। कम रेजिस्टेंस रहेगा मतलब कि उसके मार्ग में कोई रुकावट या अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, इस कारण से इलेक्ट्रिक करंट वो अपने अंदर से पास होने देगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है इंसुलेटर में, द रेजिस्टेंस ऑफ ए इंसुलेटर इज वेरी हाई। इंसुलेटिंग मटेरियल्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है। अगला पॉइंट नंबर फाइव है, इसके एग्जाम्पल बात करें तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयर, फोस्फोरस, ब्रोंज, टंगस्टन, निकल, ईटीसी आर सम गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल्स आप समझिए कि इनके इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल्स का एग्जाम्पल दीजिए, या कौन से मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सिल्वर, गोल्ड, ये तो काफ़ी महंगे हमारे होते हैं, इस कारण से इनका जनरल यूज नहीं करते, किए भी जाते हैं हैवी जगह पे, लेकिन सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, फॉस्फोर, ब्रोंज, टंगस्टन, निकल, ईटीसी आर द सम गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर मटेरियल्स। इसका जस्ट अपोजिट पूछ जाए कि इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बोल्ड, लकड़ी, माइका, ग्लास, बैकलाइट, फोर्सलिन, रबर, कॉटन, प्लास्टिक, ईटीसी आर सम गुड क्या होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल या इंसुलेटर्स। तो ये यहां पर डिफरेंशिएट क्रिएट होता है आपका, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में ये पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लिखे। यदि आप ये भी लिख देंगे या ये भी याद रख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा।
ठीक है। देखिए मैं छोटे छोटे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, अब आगे आपको इन आने वाली वीडियो सीरीज में छोटे टॉपिक्स कवर करूंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रेंड्स साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करेंगे शेयर करेंगे, वहाँ से मुझे पास टाइम मिलेगा, व्यूज़ मिलेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और साथ में कोई डाउट है क्वारी है तो कमेंट करें, अच्छी है तब भी कमेंट करें, और जो डाउट है उनको कमेंट करें पूछ सकते हैं, तो मुझे क्या अच्छा लगेगा, एंगेजमेंट बनेगा वीडियो पर, तो मुझे आगे वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आएगा। आप बात नहीं करेंगे शेयर नहीं करेंगे तो फिर मैं मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा मन मेरा कम करेगा, तो आपसे वही रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो लाइक करें शेयर करें, और डाउट है तो क्वारी है कोई कमेंट कर पूछ सकते हैं, निश्चित ही उनका मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन पे उसको ऑन कर दें, बेनिफिट आपको ये रहेगा, हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें उस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब लिया उनके लिए वापस सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के आंसर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।